नमस्कार दोस्तों, आज चाय बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस चूड़ी को पहले बीट ढीला कर रहे हैं, इसी तरह आपको भी बीट ढीला कर लेना। यह सिंगल चूड़ी, ठीक है। उसके बाद आपको चूड़ी टायर लेवर के माध्यम से आपको चूड़ी खोलना है। बीट छोड़ दिया। जब बीट छोड़ जाने के बाद आपको ये छोटे टायर लेवर के माध्यम से आपको चूड़ी निकालना है, रिम निकालना है। उसके लिए आपको सबसे पहले पैर के माध्यम से ढेल को नीचे दबाना है, ठीक है। उसके बाद लंगोटी में टायर लेवर लगाना, उसके बाद हमको माने चाट देना, अपने आप रिम बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप रिम निकाल सकते हैं। मार देना ताकि पंचर मान पड़े, चोट लिख होगा तो टी के माध्यम से पंचर को पता कर सकते हैं। लोटी निकालें, डी टिल्ला अगर टाइट होगा तो हम इस पर वीडियो बनाएं कैसे निकालना, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर लंगोटी आप पकड़ा है तो आपका टायर में हवा दे देना हल्का, लंगोटी बाहर फेंकेगा। हाँ देखा रहा तू, कितना बड़ा फूल है। ट्यूब में पंचर हुआ है, टायर में कट था, ठीक है, कट होने के कारण हुआ है। तो हम इस मशीन के माध्यम से घिसेंगे, ये प्रेशर से चलता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे कमेंट बताइए, मेरे पास है उपलब्ध, हम आपको सस्ते में आपको ये मशीन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसमें सोल्यूशन डालेंगे, ये वाला सोल्यूशन, ठीक है, और इसको हम मिलाएंगे। सूख जाने के बाद हम इसमें स्टार्टेंगे पंचर पत्ता। अब इसमें हम ये वाला पंचर पत्ता स्टार्टेंगे, ठीक है, हमने कहा बारी आती है पैर चेक करने की, पंचर कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था। अब हम पहले देख लेते हैं टायर में कुछ है कि नहीं, तो कुछ तो नहीं दिख रहा, ठीक रखते हैं, पता करेंगे। लगाया गया था उस समय इसमें पाउडर दे देना चाहिए ताकि पंचर ना कर सके, पाउडर नहीं दिया है। अगर आप ओमनी लगा रहे हैं तो आप जरूर इसमें पाउडर दें ताकि टायर में ट्यूब नहीं सटे और पंचर होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। अब हम दूसरा जगह मार्क किए थे वहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क किए थे, यहाँ पर छोटा सा कट है, तो इसमें देखते हैं क्या डालते हैं। अब हम इसमें केस काटने वाले हैं, ठीक है, लगाएंगे तो काटेंगे, ठीक है। ध्यान कहाँ जा रहा है, ये है काला सोल्यूशन। अब इसको हम इस तरह सोल्यूशन नहीं, आप लोग मुझे नहीं कहेंगे,
में दो छोटे छोटे कट था, तो इसमें हमने जो प्लाई वाला पेच था उसको डाल रहे हैं। तो दोनों साइड से आपको ओमनी सोल्यूशन लगाना है, तभी सटेगा अच्छे से। अब हम ये वाला लगाएंगे कट यहाँ पे, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। दोनों में हम केमिकल लगा दिए हैं, सड़ जाएगा। तो आपको देख के लगाना है, ठीक है, कहाँ पे कट है उसी हिसाब से पेच लगाना है। मैंने देखा यहाँ पे फाइनली सट गया है। अब हम पाउडर डालेंगे, ठीक है। अब लोग टायर में बॉटल लगाने के बाद हम ट्यूब लगाएं, उसके बाद लॉन्टी लगाएं। लगाने के बाद हमें टायर में हल्का सा निहावा दे देंगे, क्योंकि इसमें पेच लगाएं तो घिसने माने घसकने का कोई चांस नहीं रहेगा, इसीलिए हम दे दिए, ठीक है। आप नए टायर में भी आप हवा दे दें, बेस्ट रहेगा, लॉन्टी बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं भैया, दिखाया ना यहाँ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको भेल मिलाना, ठीक है, भेल सही जगह रखा हुआ है। और हम चूड़ी लगाएंगे, दूर से मिला लो। चारों तरफ से दिख लेना, चाहे तो बैठा हुआ है, ठीक है। आप ये बात दे देना ताकि यहाँ पे टायर नहीं कट, वेट नहीं कटे, इसीलिए इसको दे दिया जाता है हल्का, ठीक है। इसे पहले लगा हुआ था तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब हम इसमें हवा देंगे, अब हम इसमें हवा चेक करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कितना होगा, 140, ठीक है। इसमें और हवा देना है, 150 पॉइंट कम से कम देना है, ठीक है। जितना 160 तक देना है इतना हवा। गया देखना यार, गया सर कैसा भगाया वजह।